अरे ऐसा नहीं गीता, ऐसा नहीं गीता, अरे के घोड़मरवा से बहुत दुखद घटना हम आपको बता रहे हैं। हालांकि एक दादी के सर्जन में नहाने गई थी पोती, जिसे घटना स्थल पे ही डूबने से मौत हो गई। हालांकि अभी तक एसडीआरएफ की टीम खोजबीन कर रही है, लेकिन अभी तक शव का पता नहीं लगा पाई है। ये घटना सुबह 10 बजे की है और लगातार एसडीआरएफ की टीम घटना स्थल पर मुस्तैदी होकर उस लड़की को खोज कर रही है उस पानी में उतर कर। हालांकि वो दुधौरा नदी और उसी नदी में दादी के सर्जन में पूरे परिवार के साथ वो गई थी नहाने के लिए, लेकिन उसी दौरान डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन तमाम लोग हैं और महिला भी हैं, उनकी माँ है मेरे सामने, इनसे भी हम बात करते हैं। अच्छा, उनकी लड़की थी जिनको क्या नाम था? संगीता। कितने वर्ष के थी? 12-13 वर्ष के हो गए। कैसे डूबने से मौत हुआ है, कुछ पता चला? घोड़वा का तो छोटा गेला का बीच पानी में चल। एक और लड़की है और जिसके डूबने से मौत हुई, वो कौन है? वो जाई थी होई के। आपको बता दें कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि जब एक घर के लड़की जब डूबने से मौत हो जाए तो पूरा परिवार मातम में ही रहेगा। लेकिन पहले से भी एक दादी का मृत्यु हुआ था जिसकी सर्जन था और उसकी सर्जन कार्यक्रम में वो लोग नहाने गए थे। हालांकि रीति रिवाज है कि सर्जन के दिन नहाया जाता है और उसी नहाने में गई थी जिस दौरान उस लड़की के डूबने से मौत हो गई। यानी दो चचेरी बहनों की डूबने से मौत हो गई है, लेकिन उस दौरान आप भी गए थे नहाने के लिए। अच्छा, क्या देखा आप उस दौरान? हम ना देखनी है, मेरा रू कोई देख ला ये डूबत लगातार गेल है ना पकड़े, एक जने सांस लगते तले बैठ गए नदी में। अच्छा बताए, चाची आप ही गई थी नहाने के लिए? हाँ। अच्छा, इधर देखनी है, हाथ लगवा ला, हाथ डोलावत रह लोग तो सांस लगन गेली है नु छोराब के पौर के पकड़े तो ना पकड़ लिय तले भुड़किया मारते रह गए। हाँ। अच्छा बताइए, आप भी गए थे क्या? अच्छा बताइए, मैंने उसके बचाने के लिए भी कोई गया? हाँ, तीन चार आदमी गए, ये लोग ताले बैठ गए नीचा पकड़े गए। एक साथ दोनों लड़कियां बैठ गई? हाँ, ये दोनों हाथ जोड़ा के गए हमें तक छटा गए। ये बहुत बड़ी खबर है घोड़मरवा से, हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ एक दादी के सर्जन कार्यक्रम में नहाने गई थी दुधौरा नदी में और उसी दौरान डूबने से मौत हो गई। हालांकि परिवार के रोते रोते बुरा हाल है। लेकिन हम आ चुके हैं रोशनी के घर जिनके डूबने से मौत हुई है। आपको बता दें कि इसी घर में आज से 7 दिन पहले उनकी दादी का मृत्यु हो गया और उन्हीं का सर्जन था और सर्जन में नहाने के लिए उन्होंने दुधौरा नदी में गई थी पूरी परिवार के साथ। जिस दौरान नहा रही थी उसी दौरान उनके पैर फिसलने से डूबने से मौत हो गई। हालांकि एसडीआरएफ की टीम ने उस लड़की की शव का खोज कर रही है, लेकिन उनकी माँ है और तमाम उनकी जो रिश्ते में कोई ना कोई दादी और चाची है और बड़ी माँ है, उन लोगों से हम बात करेंगे। अच्छा बताइए, आप भी गए थे नहाने के लिए? हमने कोटवा था सेल में डूब गए। अच्छा, आप दादी हैं? हाँ। नानी है? माई है। माई। वहाँ पर आपने देखा है आपकी लड़की जब डूबी थी? देखिए, बोलने के अति नहीं है और बोलने के थी वही में चल गई ना गोड़ छटा। यह उनकी माँ है रोशनी के और बोलने के स्थिति में नहीं है, इसीलिए हम इनसे बात नहीं करते, लेकिन आप लोग भी गए होंगे? हाँ, गए रहनी। अच्छा, क्या क्या आप लोगों ने देखा वहाँ पे? नहा ले रहनी सके लगा कपड़ा पहने तो गोड़वा छटा गए चल गए भेतरी पानी में। अच्छा, तमाम आप सभी लोग गए थे वहाँ पर नहाने के लिए? अच्छा, रो गए रहनी? अच्छा, क्या देखनी है? देखनी है कि पैर छटा गई है ऊपर नदी में चल गई हवे वो कर रही है उनको दादी चचेरी दादी है। आपने क्या देखा उनको जब नहा रही थी लोग तो नहाने के लास्ट में उन लोगों के डूबने से मौत? नहाए में हमने सब कपड़ा पहन ले रही है वैसा या तो ले है ना नुझ बुझाए लगा गोड़ा के गोड़ छट गए ना तोले ऊ लड़का वहीं दौड़े गए तोले दोनों गोड़ा वहीं में घुस गए। समझिए, जब एक परिवार में जब दो चचेरी बहने के डूबने से मौत होती है तो उस परिवार में मातम पसारा ही रहेगा, सन्नाटा पूरा लग रहा है और किस तरह से परिवार में सब एकदम रोन कानन लगा हुआ है। और कौन है? देखिए, उनकी बहन का स्थिति आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से, एकदम पूरा अभी किस प्रकार से रोते रोते सब परिजनों का एकदम बुरा हाल है तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। अच्छा बताइए, आप लोग यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम ये घटना कब बजे की? हाँ, 9 बजे। हाँ, 9 बजे, अभी लगभग 3 बज रहे हैं, अभी तक कोई आता पता नहीं ना, नहीं चल रहा है, लाश नहीं मिल रहा है।
देखिए दुधावरा नदी में बनकटवा प्रखंड के सीओ साहब यहाँ पर मौजूदगी में जीआरएफ की टीम खोजबीन कर रही है, लेकिन अभी तक शव बरामद नहीं हुआ है, शव नहीं मिल पाया है। लेकिन आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह के जो रोशनी के परिवार हैं और रोशनी के डूबने से मौत हुई है, सभी परिवार के लोग रो रहे हैं और किस परिस्थिति में है तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे हैं। हम आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।